क्या आपको एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपने जो एक चीज़ माइंड रखनी है ना, वो ये रखना है कि आप सिर्फ उसी सूरत में एमडी कैट रिपीट करेंगे जब आपको ये पता होगा कि यार जो मैंने इस दफ़ा एमडी कैट दिया है ना, इसमें मैंने अपना 100% नहीं दिया, इसमें मेरी कुछ डेफिशिएंसीज रह गई थी। वो डेफिशिएंसीज आपकी किसी भी चीज़ में हो सकती हैं। हो सकता है आपने टाइम वेस्ट किया हो सकता है आपने लेक्चर्स ठीक से ना लिए हो सकता है आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस ठीक से ना की हो। वो किसी भी चीज़ में आपकी डेफिशिएंसी हो सकती है। जब आपको ये अगर आपको पता है कि मेरी कोई डेफिशिएंसी थी इस दफ़ा जो रह गई है और मैंने इस दफ़ा अपना 100% नहीं दिया और मैं अगले साल वो डेफिशिएंसीज जो हैं उनको इम्प्रूव कर लूँगा, उन पर मैं मेहनत करके उनको इम्प्रूव कर लूँगा, देन आपने रिपीट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जितना आपका 100% था वो आपने दे दिया है एंड उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, देन आपने रिपीट नहीं करना। अगर आप दोबारा वही चीज़ रिपीट करोगे आपके दोबारा उतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि एक बात आपने माइंड में रखनी है कि एमडी कैट हर बंदा क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपने अपना 100% दे दिया है और उसके बाद आपका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एमडी कैट आपके लिए नहीं है। आप इससे कोई अच्छी चीज़ कर सकते हो, आप इसके अलावा कोई अच्छी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी अपना 100% नहीं दिया और आप देखना चाहते हो कि मैं अपना 100% दूँ उसके बाद मेरा एडमिशन होता है कि नहीं होता, देन आप रिपीट करें, आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें और अगले साल अपना 100% दें। अगर आपके लिए एमडी कैट हुआ तो आप जब अपना 100% दे देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर एमडी कैट आपके लिए ना हुआ, देन आप जब 100% देंगे उस वक्त भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि एमडी कैट आपके लिए नहीं है और आपने कोई और फील्ड चूज़ करनी, जो हो सकता है कि आपके लिए एमबीबीएस से बहुत अच्छी फील्ड हो। दूसरी चीज़, अगर आप एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको क्या इसी महीने तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या अगले महीने करनी चाहिए या 3 महीने बाद करनी चाहिए। यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो ये है कि आपने जब 2023 के एमडी कैट के लिए पढ़ा था वो आपने 2-3 महीने पढ़ा था, वहाँ से आपने कुछ ना कुछ नॉलेज लिया था, कुछ ना कुछ वहाँ पर आपने हार्डवर्क जो है वो पुट इन किया था। अब अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो आप पिछले हार्डवर्क पे और पिछले नॉलेज के ऊपर अपना मजीद नॉलेज बिल्डअप कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपने जो पिछले एमडी कैट के लिए पढ़ा था वो आपको चीज़ें भूल जाएंगी और आपको आपको ऐसा फील होगा कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अक्लमंदी यही है कि जो आपने पिछले 3 महीने पढ़ा है, 3 महीने जो आपने मेहनत की है, आप उस मेहनत को ज़ाया ना जाने दें, आप उसी मेहनत के ऊपर अपनी चीज़ों को अपने नॉलेज को बिल्डअप करें। और उसके लिए क्या है कि आपने अभी से सीरियस होकर अपनी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी थी उनको आपने भूलने नहीं देना, उनको आपने अपने माइंड में फ्रेश रखना। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, तो आप एटलीस्ट ये करें कि जो आपने 3 महीनों में पढ़ा था उसको रोज़ कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहे कि एटलीस्ट आपको वो चीज़ें ना भूलें, ठीक है। जब वो चीज़ें नहीं भूलेंगी और उसके बाद आप न्यू चीज़ें पढ़ेंगे उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे, तो आपके एडमिशन के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो पिछले 3 महीने आपने गुजारे हैं एमडी कैट के, उनको उसकी मेहनत को आपने ज़ाया नहीं होने देना, वो चीज़ें आपने अपने माइंड में फ्रेश रखनी है, उनको बार बार रिवाइज करते रहना है और उसके ऊपर अपना नया नॉलेज आपने बिल्डअप करना है।